हेलो डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हो दोस्त? बताएंगे कैसे हो दोस्तों। आप जानते हो आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है, यूपी पुलिस री एग्जाम दोस्तों। तो आपको एक स्ट्रेटजी प्लान के थ्रू पढ़ाई करनी होगी, ठीक है? तो आपके लिए दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज लेकर आए हैं। सिर्फ आपको कितने मिनट देना है? मुझे 5 मिनट। ये 5 मिनट आपको एक नंबर दे कर जाएगा, यहाँ से जाना बिल्कुल ही नहीं है। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, सिर्फ 5 मिनट देना है, ठीक है? एक नंबर पक्का है यहाँ से। क्योंकि ऐसे देखो, जीआई टैग से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है? आते हैं, तो आपको इसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और इसमें जीआई टैग को हम किसको अध्ययन करेंगे दोस्तों? जो हमारा 23-24 में जो मिला है जीआई टैग, उसी के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है? चलिए हम देखते हैं दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो हमारे साथ, यहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है? चलो दोस्तों, यूपी के प्रमुख जीआई टैग, हमने यूपी को सिर्फ पढ़ेंगे दोस्तों। आपको दो तीन पॉइंट और बता देते हैं हम, पहले सुन लो ध्यान से। सबसे ज्यादा भारत में किस राज्य को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो किसको? यूपी को। किसको? यूपी को। यूपी को जीआई टैग कितना मिला है सर? यूपी को जीआई टैग कितना मिला है सर? तो यूपी को 75 जीआई टैग है, जो भारत में नंबर वन पे है सर। दूसरा क्या है? तमिलनाडु। कौन है सर दूसरा? तमिलनाडु, ठीक है? तमिल नाडु सर, इसको कितना मिला है अभी तक? कितना मिला है? तो 58 दूसरे स्थान पर है। तो इन चीजों को जान जाएंगे सर। यूपी में भी सबसे ज्यादा किस जिला को मिला है? किस जिला को मिला है सर? जिला को तो वाराणसी को। किसको? वाराणसी को मिला है, ठीक है? सबसे ज्यादा मिला है बनारस को जीआई टैग, ठीक है? चलिए हम आ गए दोस्तों अपने क्वेश्चन पे, ठीक है? चलो, यूपी के प्रमुख जीआई टैग दोस्तों, हमारा जो काशी, काशी का जीआई टैग मिला है। ये तिरंगी जो बर्फी है दोस्तों, इस तिरंगी बर्फी को आप देखो, ऊपर क्या है? केसरिया। बीच में क्या है आपके? व्हाइट। नीचे क्या है? ग्रीन। क्या है? ग्रीन। इसको हमने जब भारत छोड़ो आंदोलन जो समय था दोस्तों, उस समय में हमने इस बर्फी को यूज किया था। ये हमारे फ्लैग की तरह है, देख लो, है ना? बिल्कुल। चलो हम बनारस को पढ़ते हैं। देखो अभी बनारस के दोस्तों, मेटल कास्टिंग क्राफ्ट। ये मेटल कास्टिंग क्राफ्ट क्या होता है दोस्तों? देखो ये मेटल के बना हुआ है सारा क्राफ्ट, अच्छा अच्छा तरीके से इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है सर? बरेली को क्या मिला है? किस चीज को है? उत्पाद को? तो देखो जरदोजी शिल्प। जरदोजी शिल्प क्या होता है दोस्तों? इसको हाथ से शिल्प किया गया है, बनाया गया है। तो बरेली क्या है? जरदोजी शिल्प को जीआई टैग मिला है सर। बनारस दोस्तों, ये बनारस के ठंडाई, आप गर्मी के दिनों में क्या लस्सी पीते हो? लस्सी, ताकि थोड़ा अच्छा फील हो, ठीक? उसी तरीके से ये बहुत ही मजा आता है, आप कभी पियोगे तो बहुत ही मजा आएगा, ठीक है? ये ठंडाई है। किसका? बनारस का है ठंडाई, ठीक है? ध्यान से पढ़ेंगे, चीजों को याद रखेंगे दोस्तों। चलिए संभल को क्या मिला है सर? संभल के हर्न क्राफ्ट। हर्न क्राफ्ट का मतलब हो गया दोस्तों कि आप जो देखते हो सिंह, सिंह के द्वारा जो सिंह के बनाए गए प्रोडक्ट है, इसको मिला ये कहाँ के सर? संभल के, ठीक है? बागपत सर, ये बागपत के जो है होम फर्निशिंग को मिला है जीआई टैग। ध्यान से देखना है चीजों को और याद करना है, ठीक है? आपको आपके एग्जाम में ऐसे पूछते हैं क्वेश्चन, तो आपको तो याद करना होगा ना, क्योंकि आपके एग्जाम के डेट बहुत ही नजदीक आ रहे हैं, तो चीजों को याद करना है बेहतर तरीके से। यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं, एक क्वेश्चन तो पक्का है, समझ रहे हो? एक क्वेश्चन के लिए अगर एक क्वेश्चन आपका गलत होता है, तो आप लाखों बच्चों के पीछे चले जाओगे। यदि एक क्वेश्चन आगे करते हो, तो लाखों के आगे चले जाओगे। तो ये आपको निर्णय लेना है कि कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है? चलो, लखीमपुर खीरी का, लखीमपुर खीरी दोस्तों, थारू कढ़ाई। लखीमपुर खीरी में जो खीरी में दोस्तों जो थारू जनजाति रहती है, उनके द्वारा इस कढ़ाई को बनाया जाता है, देखो, इसीलिए इसको क्या दिया है? थारू कढ़ाई। बरेली दोस्तों, बरेली बेंत और बांस की शिल्प। आप देखते हो कि हमारा जो गाँव में या बिहार यूपी के तरफ, कि जो बांस को काट कर एक अच्छा शिल्प बनाते हैं, उसका फर्नीचर बनाते हैं टाइप का, बैठने के लिए, इन सब चीज के लिए। देखो यहाँ पे बनाया गया है, कैसे बनाया गया है? सोफा बनाया गया है, कुर्सी बनाया गया है, इन सारी चीजों का किसका बना है? बरेली का है। क्या? बेंत और बांस का शिल्प है, ठीक है? चलो दोस्तों, हमारा बनारस, बनारस का लाल पेड़ा, देखो ये लाल पेड़ा है बनारस का, ठीक है? बनारस के सर और क्या मिला है? तो बनारस के भित्ति चित्र
सर ये बनारस का जो भित्ति चित्र है, मतलब क्या कि आप देखो जैसे दीवाल पे जो होता है वहां पे चित्र बनाया जाता है। जैसे आप मेट्रो में दिल्ली में आओगे या कहीं जाओगे कहीं भी, तो आप देख रहे हैं दीवालों पे बहुत अच्छे सुंदर सुंदर वहां पे चित्र बनाए जाते हैं, उसी को बोलते हैं भित्ति चित्र। तो बनारस के भित्ति चित्र को क्या मिला है? जीआई टैग। ओके, ध्यान दे रहे हो? बिल्कुल ही ध्यान से चीजों को याद रखना है। क्वेश्चन यहां से बनेंगे, आपको 1 नंबर यहां से मिलेगा बिल्कुल। ठीक है, चलो बनारस। दोस्तों बनारस के तबला को जीआई टैग मिला है, ठीक है, बनारस के शहनाई को भी जीआई टैग मिला है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सर बाराबंकी के कौन से प्रोडक्ट को मिला है? तो हैंडलूम प्रोडक्ट को बाराबंकी के क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। काल्पी जो हमारा हो गया, इसका क्या है? हैंड पेड पेपर का मिला है। क्या मिला है? हैंड पेड पेपर को। सर जौनपुर के इमरती, दोस्तों इमरती ये जिलेबी के बड़ा बहन करो भाई कहो जो भी कहो, खाने में कितना मजा आता है इमरती। ठीक है, तो ये कहाँ के? जौनपुर के इमरती को मिला है। मथुरा के जो सांची शिल्प होता है दोस्तों उसका मिला है। ठीक है, चीजों को याद रखेंगे एकदम ध्यान से। चलो सर अमरोहा, अमरोहा के ढोलक को जीआई टैग प्राप्त हुआ है। मैनपुर के तार काशी को मिला है, तार कशी को मिला है। ठीक है, मैनपुरी को। दोस्तों ये हमारा जीआई टैग था, आपको हमने बोला था 5 से 7 मिनट में आपका 1 नंबर दे कर जाएगा। पक्का इस चीजों को आपको याद रखनी है, आपको 1 नंबर मिलेगा, इतना ध्यान रखो, लेकिन चीजों को याद करना है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर और कमेंट करना यदि आपको किसी भी तरीके का और चीजें चाहिए तो। दोस्तों हमारा ये एक मोटिवेशन होता है हम सबका, एक टीचर को आप जानते हो क्या मोटिवेशन होता है, कि उसके बच्चे लाइक करें शेयर करें, यही सारा मोटिवेशन। तो आज के लिए ये वीडियो, इसके बाद हम और सारे वीडियो 5 5 मिनट 7 7 मिनट को लाएंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।